हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत सारा को गाइस देखिए प्रॉब्लम आ रहा है असम में। गाइस जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है किसी एक सीएससी सेंटर से गाइस, वो लोग मतलब अपना जो भी है गाइस कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पीआरसी, एनसीएल, ओबीसी, एनसीएल, एमओबीसी, तो इस तरीके से बहुत कुछ सर्टिफिकेट है जो कि गाइस ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना पड़ता है और बहुत सारा को गाइस दिक्कत होता है डाउनलोड कैसे करें। अभी बहुत दूर दूर में उनका घर होता है और अपना घर से गाइस जो भी है सेंटर वहां पर जाने के लिए गाइस कुछ सोचना पड़ता है और उसी चीज से लेकर गाइस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ गाइस। आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से ये पता चले किस तरीके से मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से डाउनलोड करना है, तो गाइस वो मैं दिखाऊंगा आज। अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट, डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मतलब एनसीएल, उसके बाद में एनओसी मतलब नेक्स्ट ऑफ किन सर्टिफिकेट एनओके, तो गाइस इस तरीके का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है और आपको घर बैठे उसको डाउनलोड करना है वो भी मोबाइल से, अपना एंड्रॉइड मोबाइल से, तो गाइस आप लोग कैसे कर सकते हो। बट यहाँ में एक कंडीशन है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का आईडी नहीं है तो गाइस आप लोग नहीं कर सकते हो। अगर है, अगर आपने पहले ही बनाकर रखा है तो गाइस आप लोग मोबाइल से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और क्या वेबसाइट है। तो चलिए गाइस इसी चीज से लेकर आपको आज सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा गाइस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर देना है। उसके तो देखिए गाइस क्रोम ब्राउजर ओपन कर देने के बाद में ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्टन पोर्टल लिखिए और लिख देने के बाद में देखिए गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैं इसको डेस्कटॉप साइड में कर रहा हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस देखिए ये आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन edistrict.emtron.in। तो गाइस यहाँ पर आपको विजिट करना है, तो देखिए गाइस ये आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऊपर में ही आ रहा है गाइस। और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस अभी कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरीके का इंटरफेस आता है और जो भी है गाइस आपका पहले का स्क्रीन नेम, डिस्ट्रिक्ट एम्प्टन पोर्टल का स्क्रीन नेम और उसके बाद में यहाँ पर देखिए गाइस ईमेल आईडी, तो वो दोनों आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहिए और आपके सामने में मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा और आप लोग भी मतलब इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए गाइस अगर आपने पहले ही मतलब डिस्ट्रिक्ट एम्प्टन पोर्टल में आईडी क्रिएट नहीं किया है तो गाइस पहले आपको वो करना चाहिए और उसके बाद ही आप लोग ये कर सकते हो। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो भी है गाइस अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पर आपका जो भी है स्क्रीन नेम आपको दे देना है और उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है गाइस इंटर एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो देखिए गाइस अभी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको सिंपली दे देना है। मान लीजिए गाइस मेरे पास एक है गाइस, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बने रहे वीडियो पर, कंप्लीट जानकारी गाइस आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मान लीजिए गाइस कोई भी गाइस आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो गाइस देखिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी, उसके बाद में आपको डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन और आपको कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी एमओबीसी और उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको दे देना है, तो सिंपली आप लोग अपना हिसाब से यहाँ पर SSDG वो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देख के यहाँ पर दे देना है। तो देखिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गोरखा कम्युनिटी सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है, कोई भी सर्टिफिकेट। तो डाउनलोड कर लिए गाइस, करने के लिए देखिए अभी सिंपली आपको मोबाइल पर ही मिल जाएगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है, सर्च पर क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो देखिए कि सर्च पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अप्रूव बोल के आ रहा है गाइस यहाँ पर स्टेटस पर। देखिए अब ये गोरखा कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जो भी गाइस सर्विस है गाइस आपका यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्च कर देने के बाद में गोरखा कम्युनिटी सर्टिफिकेट अप्रूव, स्टेटस अप्रूव देख सकते हो, रिमार्क आप लोग देखिए, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है गाइस। अभी डाउनलोड करने के लिए देखिए गाइस अभी आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, थोड़ा ही देर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आप लोग कहाँ से मतलब PDF ओपन करना चाहते हो। तो देखिए गाइस मैं सिंपली ड्राइव PDF व्यूअर पर जाऊंगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली गाइस ये आपके सामने में आ चुका है ये डाउनलोड होके। तो देखिए गाइस इस तरीके से डाउनलोड होके आपके सामने में है। अभी गाइस आप लोग इजीली इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो।
मैंने आप लोगों को दिखा दिया गाइस किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो गाइस फाइनली इस तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग इनकम सर्टिफिकेट हो या तो कास्ट सर्टिफिकेट हो या तो एनसीएल हो या तो जो भी है वो आप लोग इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल से ही इजीली होता है। तो देखिए गाइस क्रोम ब्राउजर पर जाना है और उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट वो साइट आसाम का जो कि है साइट सर्विस साइट, तो देखिए उस साइट पर जाना है और उसके बाद में आप लोग को डाउनलोड करना है तभी गाइस आपका डाउनलोड हो पाएगा। तो मैंने दिखा दिया, आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।